मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत करता है द लेजेंड ऑफ टॉम ब्रिज। डायरेक्टर है अकान सत्याव और आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड कमेंट। जो नए हैं चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूले। चलिए अब सुना जाए। महान शासकों की गाथा तो आपने बहुत सुनी है, मगर एक छोटे से कबीले में जन्मी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने उस सदी के महान लेखक हेरोडोटस को उसकी कहानी लिखने पे मजबूर कर दिया। मध्य एशिया की धरती कई छोटे बड़े कबीलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कबीला है मसागेते, जिसका सरदार है स्पारगापे। एक बार वो बारासिंघा का शिकार करते हुए काफी दूर निकल आया। जब होश आया तो वो अकीबात कबीले के सरजमी पे खड़े थे। दूसरे के इलाके में घुसपैठ नियमों के खिलाफ है। अकीबात के कबीली लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के लोग मारे गए, स्पारगापे और उसका साथी बच गए। तभी दूर आसमान में काला धुआं उठने लगा, यानी समय हो चुका है। स्पारगापे की बीवी बोपाई पेट से है। तुरंत वो अपने घर की ओर रवाना हुए। सबको उम्मीद है कि उसे एक बेटा होगा जो इस कबीले का भावी सरदार बनेगा, मगर विपरीत उसे एक बेटी हुई। बहुत खून बह जाने के कारण बोपाई बच नहीं पाई। उसने बच्ची का नाम तोमरिस रखा और स्पारगापे को सौंपते हुए दम तोड़ दिया। समय बीतने लगा। कुछ साल बाद स्पारगापे ने दूसरी शादी की, मगर बोपाई और उसकी निशानी तोमरिस को वो बहुत प्यार करता है। उसने बहुत छोटी उम्र से ही उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाना शुरू कर दी। एक रात तोमरिस को बहुत बुरा सपना आया। उसकी तरफ एक अद्भुत जीव बढ़ रहा है। तोमरिस अपने डर पे काबू पाने की कोशिश कर रही है कि तभी उसकी आंख खुल गई। वो दौड़ के अपने बाबा को उठाती है। तभी उन पे हमला हुआ। स्पारगापे के दो करीबी ख्वास और खुरतुन ने पड़ोसी कबीला ख्वार्ज मियान से हाथ मिला लिया। दोनों ने अपने सरदार के साथ दगाबाजी की है। किसी तरह स्पारगापे ने अंगरक्षक खराब्स के साथ तोमरिस को वहां से कहीं दूर भेज दिया, मगर वो और उसका पूरा परिवार इस विश्वासघात का शिकार हो गया। मसागितई कबीला छोड़ वो लोग दूर एक श्रापित जमीन पे जा बसे, जहां कोई नहीं जाता, और वहीं सालों तक शांति से रहे। मगर धीरे धीरे बड़ी हो रही तोमरिस का मन अभी तक शांत नहीं हुआ। वो अपने बाबा का बदला लेना चाहती है। कबीले में बाकी बच्चों के साथ तोमरिस भी लड़ने का दावपेच सीख रही है, ताकि समय आने पर वो अपना मकसद पूरा कर सके। समय गुजरने के साथ तोमरिस थोड़ी बड़ी हो गई और एक दिन अचानक उसने खराब से बोली, वो अब और इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। वो अपने पिता के कातिलों को मारना चाहती है, इससे पहले कि वो बुढ़ापे से मरे। उसे जिद में वहां से जाते देख खराब्स ने सोचा, अभी उसे रोकना बेकार है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। तोमरिस थोड़ी दूर चली तो आई, लेकिन वो जाए कहाँ? एक चट्टान की चोटी पे बैठ वो अपने बाबा की दी अंगूठी देख उन्हें याद करने लगी। उस रात वो खुले आसमान के नीचे सोई। बहुत समय बाद आज फिर उसे वही सपना आया। एक अद्भुत जीव उसकी ओर बढ़ रहा है, उसे चुनौती दे रहा है। ऐसे पहले भी एक बार हुआ था जब वो अपने बाबा से छूट गई थी। घबराकर अगली सुबह वो वापस घर की तरफ चलती, मगर जो मंजर उसने देखा उसकी रूह कांप गई। जिन्हें वो अपना परिवार कहती थी वो सब मारे गए। कल रात घुसपैठियों ने उन पर हमला किया था। उनके निशानों का पीछा करते हुए वो उन तक पहुंची भी और सबको मार भी डाला, लेकिन इस लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गई। उसका घोड़ा उसे वहां से दूर ले गया। तपती दोपहर में चलते चलते बेहोश तोमरिस सवरोमैट्स कबीले की झुंड से जा मिली, जिसकी सरदार की बेटी सरदाना उसे अपने साथ ले आई। उसने अपनी माँ को तोमरिस की अंगूठी दिखाते हुए कहा कि ये कोई आम लड़की नहीं है। उसका इलाज शुरू हुआ। जख्म गहरे होने की वजह से भरने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब उसे होश आया सरदाना उसे कबीले के सरदार के सामने ले गई। उसकी उंगली देख वो बोला, ये मसागिते कबीले की अंगूठी तुम्हारे पास?
टोमरिस ने पूरी बात बता दी और ये भी कि वो स्पारगापी की बेटी है। सरदार ने उसे यहाँ शरण दे दी क्योंकि स्पारगापी से उसके अच्छे संबंध थे। जैसे जैसे समय बीतता गया टोमरिस यहाँ के लोगों का हिस्सा बनती गई, यहाँ के तौर तरीकों में ढलने लगी। यहाँ की औरतें किसी मर्द से कम नहीं, सरदाना की भी वो खास बन गई। साथ शिकार पे जाते, आसपास के इलाकों को लूटने जाते। एक बार एक गांव को लूटते वक्त वहां की गुलाम अनाथ बच्चे के साहस को देखकर वो उसे अपने साथ ले आई, जिसका नाम तीरस है। टोमरिस को बेगुनाहों का खून बहाना पसंद नहीं, इसीलिए उसने लूटने का तरीका बदला। वो दो गुटों में हमला करते, एक मर्दों से लड़ता, दूसरा घरों को लूटता जहाँ औरतों और बच्चों को हानि नहीं पहुंचाई जाती। दिन पर दिन टोमरिस का हौसला बढ़ता जा रहा है और उसे मौका भी जल्द मिलने वाला है। कुछ महीनों बाद सरदार के यहाँ बेटे होने की खुशी में जश्न का आयोजन किया गया। आसपास के सभी कबीलों के सरदार को बुलाया गया, जिसमें ख्वास और खोरतुन भी शामिल है। टोमरिस की नजर पूरे वक्त उन दोनों पर टिकी रही, लेकिन अभी उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। वही उसने कुश्ती लड़ते हुए आर्गुन को पहली बार देखा, जो दाही कबीले के सरदार का बेटा है। दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में भा गए। जश्न के दौरान ख्वास और खुरतूस ने यहाँ आने की असली वजह बताई। वो यहाँ के सरदार को धमकाने आए हैं कि आसपास के इलाकों ने ख्वारज्मियंस कबीले से बार बार की जाने वाली लूट खसौट की शिकायत की है, जो कि हमारे संरक्षण में है। जिस पर सर्वोमैट्स के सरदार ने कहा, ये तो हर कबीला ही ऐसा करता है, ये हमारी जीवनी का हिस्सा है, तुम नहीं करते। और मैं याद दिला दूं, जिस तरह से तुमने मसागितई कबीले के सरदार को मरवा कर उनकी जगह हड़पी है, तो न्याय अन्याय की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। ख्वास और खोरतून ने धमकी दी कि उनके यहाँ लूट ना करने का वादा उसे अपने नए जन्मे बेटे को उन्हें सौंप कर करना होगा। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। जब सरदार ने बाकी सरदारों से एकजुट होकर इसका विरोध करने की बात की, किसी ने भी किसी और के झगड़े में पड़ना उचित नहीं समझा। सबके चले जाने के बाद रात में सिर्फ दाही कबीले का सरदार रह गया। तब सर्वोमैट्स को एक तरकीब सूझी। उसने वो इक्के का पत्ता निकाला जिसे उसने कब से अपने पास संभाल कर रखा है, टोमरिस। उसे बताया, मसागिते की असली वारिस और स्पारगापे की बेटी है। अब वक्त आ गया है ख्वास और खोरतून को उनकी औकात दिखाने का। उसने कबीले वालों पे बहुत जुल्म किए हैं। मसागिते के लोगों को जैसे ही अपने असली सरदार की बेटी का पता चलेगा, वो यकीनन टोमरिस का साथ देंगे। तुम्हारे बेटे आर्गुन को टोमरिस पसंद है, हम उनकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हमसे टक्कर लेने की कोई सोचेगा भी नहीं। सरदाना ने टोमरिस को आकर बताया कि हम ख्वास और खोरतून से जंग लड़ने वाले हैं। टोमरिस के कानों को तो इसी खुशखबरी का कब से इंतजार था। अब टोमरिस सरदारों के सामने खड़ी है। उन्होंने कहा कि वो उसके साथ उसकी हक की लड़ाई में साथ देंगे, मगर टोमरिस एक समझदार औरत है। उसने इसकी वजह पूछी, क्योंकि कोई भी बिना मतलब के उसकी मदद क्यों करेगा। तब उसे बताया गया कि ख्वास और खोरतून अब उनके कबीले के पीछे पड़े हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो वो अपने कबीले के लोगों का खून नहीं बहाएगी, वो सिर्फ उन दोनों को मारेगी। टोमरिस ने कहा, जंग के मैदान में दोनों कबीले की सेना आमने सामने खड़ी है। टोमरिस ने आगे बढ़कर मसागितई के लोगों को अपना परिचय दिया कि वो स्पारगापे की बेटी और इस कबीले की असली वारिस है। मुझे मालूम है कि उन दोनों ने हमारे लोगों को बेचा है, उन्हें गुलाम बनाया है, लेकिन अब मैं अपना हक अपनी जगह लेने वापस आ चुकी हूँ। मसागितई के लोगों में हड़कंप मच गई। टोमरिस की तरफ बढ़ने पे उसने दोनों को एक पल में धराशायी कर घोड़े पर से गिरा दिया। लोगों ने अपने महान सरदार स्पारगापे की बेटी टोमरिस का स्वागत किया। उसने दोनों के परिवारों की जान बख्श दी और उन्हें उसी ख्वारज्मियंस कबीले के पास जाने को कहा, जिनके साथ षड्यंत्र कर मसागितई कबीले को हासिल किया था और इतने सालों तक राज किया। अब यहाँ उनकी कोई जगह नहीं। टोमरिस सबसे पहले
अपने बाबा की कब्र पर गई और उन्हें इत्मीनान से सो जाने को कहा। वह वापस आ गई है उनकी गद्दी संभालने। जो होने का अंदेशा था वही हुआ। अभी तक तोमरिस को गद्दी संभाले कुछ दिन भी नहीं हुआ कि ख्वारज़्मियंस की चुनौती उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पर तोमरिस बेखौफ सरदार है और एक अकलमंद योद्धा। उसने एक चक्रव्यूह रचा और पूरी शूरवीरता के साथ उसके लोगों ने उस पर अमल किया। युद्ध भूमि में तोमरिस की जीत का परचम लहरा उठा। इस जीत के जश्न को दुगना कर दिया गया जब तोमरिस और दहाई सरदार के बेटे आर्गुन ने अपनी शादी का ऐलान किया। शादी के बाद ही तोमरिस ने बेटे को जन्म दिया जिसे उसके दादा के नाम पर स्पारगापे नाम रखा गया। तोमरिस की भूमिका दुगनी हो गई। सरदार के साथ साथ एक माँ की जिम्मेदारी भी उसने बखूबी उठा ली। कुछ साल शांति से गुजरने के बाद एक दिन उनके यहाँ कुछ लोग पनाह लेने आए। उनके कबीलों को पर्शिया के शासक साइप्रस ने लूटकर उन्हें बेघर कर दिया है। कुछ दिन और जाने के बाद तोमरिस को फिर से वही सपना आया जो हर बार उसे आने वाले बुरे वक्त की चेतावनी देता है। अगले दिन पर्शिया के शासक साइप्रस के कुछ व्यापारी उनके यहाँ आए। उनका कहना है वो इन कबीलों के सरजमी से गुजरते हुए व्यापार करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ के सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं जिससे दोनों तरफ के लोगों को फायदा हो। पर्शिया के शासक ने आर्गुन का बुलावा भेजा है इस विषय में पहल करने के लिए। पर तोमरिस उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। वो घाट घाट का पानी पीकर बड़ी हुई है, उसे लोगों की परख है, मगर आर्गुन को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है नए संबंध बनाने का। वो उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। उसने तय कर लिया कि वो पर्शिया के शासक का न्योता कबूल करेगा और अगले दिन अपने बेटे स्पारगापे को लेकर पर्शिया रवाना होगा। तोमरिस ने अपने जिगर के टुकड़े को अलविदा कहा। पीछे से उसने तीरस को उनके पीछे जाने को कहा ताकि उन पर नजर रख सके। दो पूर्णिमा रातों का सफर तय कर वो पर्शिया पहुंचे। साइप्रस से आमना सामना होने पे उसने कहा, आर्गुन कुछ जमीन खून बहाकर जीती जाती है और कुछ बिना खून बहाए। तुम बोलो तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है। यानी ये खुली चुनौती है आर्गुन को कि या तो वो खुद झुक जाए या बलपूर्वक झुका दिया जाएगा। आर्गुन ने नजरें मिलाकर कहा, वो बिना युद्ध के अपनी जमीन नहीं देगा। साइप्रस के सामने पहली बार किसी ने ना कहने की हिम्मत की है। आर्गुन के वहां से चले जाने के बाद उसी व्यापारी ने साइप्रस के कान भरे, अगर यही इसे और इसके बेटे को मार दिया जाए तो पीछे रह जाएगी इसकी विधवा और वो अकेले क्या ही कर पाएगी, तो यकीनन कबीले को तो झुकना होगा। जीत आपकी पक्की। वैसा ही हुआ। उसी रात आर्गुन समेत उसके साथियों और बेटे स्पारगापे का कत्ल कर दिया गया। इधर तोमरस को नींद नहीं आ रही है। जल्द ही तीरस ये खबर लेके आया कि उसने आर्गुन और बाकियों को अंदर जाते हुए तो देखा मगर वहां से वापस नहीं निकले। पर उन व्यापारियों का काफिला फिर से इसी ओर आ रहा है, लाशों को ऊंट पर लादे। मुझे माफ करना, मैं कुछ कर नहीं पाया। तोमरिस का डर सही निकला। वो भरोसे लायक नहीं थे। उनके छल कपट में उसके पति और मासूम बेटे की बलि चढ़ गई। उस दिन तोमरिस बहुत रोई। उसके पेट में आर्गुन की औलाद है। लेकिन अगले दिन जब वही कपटी व्यापारी दोनों की लाश के साथ कबीला पहुंचा, तोमरिस ने उन्हें देखकर भी अपने लोगों के सामने एक आंसू की बूंद तक नहीं छलकाई। वो इस पूरे कबीले परिवार के पिता समान है। पिता रोएगा तो लोग हिम्मत हार जाएंगे। व्यापारी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा कि कुछ जंगली लोगों ने इन्हें मार दिया। तोमरिस चुपचाप सुन रही है। आर्गुन और उसके बेटे का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने के बाद जब व्यापारी ने तोमरिस से कहा, मरने से पहले ही आर्गुन ने साइप्रस से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था, तुम अकेली औरत कैसे संभालोगी ये कबीला, इसीलिए साइप्रस ने शादी का प्रस्ताव रखा है। अब तोमरिस के धैर्य का बांध टूट गया। वो उसे लोगों के बीच ले गई और सबको सच से रूबरू कराया कि यही है मसागतिल के सरदार अर्गुन और स्पारगापे को मारने के पीछे।
उसने उसकी छाती में छुरा उतार दिया और उसके साथियों से कहा, साइप्रस के सामने इस भेड़िया को डाल देना। उसी कबीले के एक ओझा ने तोमरिस को चेतावनी दी, ये कहकर की शुरुआत है, तुम अकेली औरत कुछ नहीं कर पाओगी, तुमने अपने साथ इस कबीले के लोगों की जिंदगी भी दांव पे लगा दी है, तुमने मौत का रास्ता चुना है, सब मरेंगे। लेकिन तोमरिस के मन में डर पैदा करना, उसे भ्रमित करना इतना आसान नहीं। उसी रात उस ओझे ने खुद को आग लगा दी। लोगों में डर का माहौल है, साइप्रस का सामना करना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ साइप्रस को जैसे ही ये बात पता चली, उसने इजिप्ट जीतने का रुख छोड़कर मध्य एशिया के कबीलों को नस्ते नाबूद करने का मन बना लिया। जल्द हजारों की तादाद में वो उस ओर कूच कर गए। तोमरिस ने पूरे कबीले के सरदारों को एकजुट होने को कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो कबीलों की बात नहीं, पर्शिया पूरे कबीलाई जमीनों को हड़पने आ रहा है, वो हमें गुलाम बनाना चाहता है। सब तोमरिस की बात से राजी हुए। उनके पास दो अमावस्या के चांद रात तक का समय है, उसके बाद पर्शिया की सेना उनके चौखट पे होगी। मगर ये इलाका उनका है और इसे उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उन्होंने जमीनों पे रेत भरवा दिए ताकि उनकी गति धीमी हो जाए। हर रात के अंधेरे में कबीलाई हमले कर उनके सेना को सोने नहीं दिया जाएगा, उन्हें सोने से भी खौफ आना चाहिए। नींद नहीं होने पे वो पूरी ताकत से अगले दिन लड़ नहीं सकेंगे। रात दिन हथियार के ढलाई का काम शुरू हो गया। तोमरिस को मालूम है कि यह लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा है, इसे अकलमंदी से जीतना होगा। हर बार की तरह उसने एक धाकड़ योजना बनाई। सांप का सर काट दो, धड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खत्म हो जाएगा। हमें उन्हें ऐसे चकमा देना होगा जो साइप्रस ने कभी सपने में भी ना सोचा होगा। साइप्रस सांप का सर है, उसे मरना होगा। हर कबीले से चुनकर 100 बेहतरीन योद्धा चुने जाएंगे, जो लोहे के हथियार और कवच से लैस होंगे, और उन्हें सेना के बीच में छुपाकर रखा जाएगा। जैसे जैसे हमारे कबीलाई सैनिक आगे बढ़ेंगे, वो उनके ठीक पीछे रहेंगे और एक वक्त पे उनका रास्ता साफ कर दिया जाएगा। वो सीधा पर्शिया के शासक साइप्रस को अपना निशाना बनाएंगे। उस रात तोमरिस को एक बार फिर वही सपना आया। हर बार ये सपना उससे कुछ ना कुछ छीन लेता है, मगर इस दफा तोमरिस ने अपने डर पर फतेह पाई और उस जीव को मार डाला। अगले दिन घमासान युद्ध हुआ। तोमरिस के सालों पहले गोद लिए बच्चे तीरस ने साइप्रस को मारकर उसका सर तोमरिस को पेश किया। उनकी जीत हुई, दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। हेरोडोटस अंत में लिखते हैं, काफी कुछ भूल गया, कितना कुछ लिखना छूट गया, लेकिन तोमरिस कहानियों की तरह अमर हो गई। आज भी ऐसा लगता है इन मैदानों में बेखौफ बने घोड़े पे सवार तोमरिस इन इलाकों में घूमती है। आज की मूवी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।